हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आईडी जू में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन उठाया है? कार्ड्स प्रॉब्लम, ताश के पत्ते वाला, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में। कितने कार्ड्स होते हैं, कितने किंग होंगे, कितने कॉइन होती हैं एक कार्ड्स के पैकेट में। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हथियार, ताकि उससे लड़ सकें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उन हथियार को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक कार्ड्स के पैकेट में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक कार्ड्स के पैकेट में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने कार्ड्स हैं? 52, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसमें 4 किंग होते हैं। क्या होते हैं? किंगो। 4 किंग होते हैं, और 4 किंग होंगे तो 4 क्वीन भी होंगी, और क्वीन की रखवाली करने के लिए कौन होना चाहिए? गुलाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैक। वो भी कितने होंगे? 4 क्वीन, 4 जैक, ओके। तो जैक, JACK, जैक, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या होंगे इसमें? और भी तो होगा कोई, जिसे इक्का कहते हैं हम लोग, किसे? एस को। ACE कितने होते हैं? 4 एस भी होते हैं। और बाकी बचे क्या होते हैं? डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 2 से लेके, डिजिट नंबर कितने होते हैं? 2 से लेके 10 तक, ये कभी भी मत भूलिएगा। 1 से लेके 10 तक नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 2 से लेके 10 तक डिजिट नंबर्स, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। कितने होते हैं? 2 से लेके 10 तक डिजिट नंबर्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या देखना है, ये यहीं पर हो चुका है। और ये भी कितने कार्ड्स होते हैं? 2 से लेके 10 तक 4 कार्ड्स होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 2 के कितने कार्ड्स होंगे? 4। 3 के कितने कार्ड्स होंगे? 4। 5 के कार्ड्स कितने होंगे? 4। 10 के? ऑलवेज 4, है ना। सारी चीजें कितने होंगी? सारे कार्ड्स इसके डिजिट नंबर्स के 4 होंगे, ठीक है। इसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं, उस पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे। जितने से ये सवाल हो जाएगा उतनी चीजें जानते हैं, और आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे और चीजें जानने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्या काउंट करके देख लें हम लोग, ये 52 कार्ड्स हो रहेंगे टोटल। ये कितने टोटल कार्ड्स हैं? ये 9 कार्ड्स है। 2 से लेके 10 तक कितने कार्ड्स बनेंगे? 9 कार्ड्स, ठीक है। और ये टोटल कितने कार्ड्स हैं? 4, 4, 4, यानी कि 16 कार्ड्स हैं। सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं हम लोग, इसे ओनर कार्ड भी बोलते हैं। ओनर कार्ड्स, ठीक है। ये ओनर कार्ड्स होते हैं, और ये डिजिट कार्ड्स, ठीक है। ओनर कार्ड्स यानी कि ये इनसे ज्यादा सम्मानित होते हैं। डिजिट कार्ड्स जो होते हैं उनकी रेस्पेक्ट थोड़ी कम होती है इनके मुकाबले। भई ये किंग है, क्वीन है, जैक है, एस है, इक्का, हुकुम का इक्का ऐसे नहीं कहते हम लोग एस को। तो अभी हम लोग इतना जानते हैं, ओनर कार्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, ओनर्स कार्ड। और ये 9 कार्ड्स होंगे। अब इन्हें हम लोग काउंट करते हैं, क्या ये कितने हो रहे हैं? 4 × 4, यानी ये सारे 4, 1, 2, 3, 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या बनेगा? 16। देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया इनके टोटल 4, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कितने कार्ड्स हैं ये? 4 हैं, और ये कार्ड्स कितने? 4 हैं, और कितने नंबर, कितने कितने कार्ड्स हैं सारे? 4, 4। तो इनको 9 को 4 से यहां पर कर लेते हैं, 9 × 4 कितने हो गए? 36। एक बार और देखते हैं, 2 के कितने कार्ड्स थे? 4। 3 के 4 कार्ड्स, 5 के 4 कार्ड्स। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि इसमें सारे 4 कार्ड्स हैं, या इसे हम लोग
मल्टीप्लाई ना करके इस तरह कर देते हैं, ये आप नोट कर सकते हैंगे, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, कि दो के तीन के चार के सारे नंबर्स के कार्ड कितने होंगे, फोर कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, टू से लेके टेन तक कितने कार्ड्स मिले, नाइन कार्ड्स, तो नाइन को सारे कार्ड्स कितने थे, फोर, फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितने कार्ड्स हो गए, 36। अब 36 प्लस 16 कितना बनेगा, देख लेते हैं, 36 प्लस 16 इक्वल टू 52। देखिए 6, 6, 12 और 3, 1, 4 प्लस 1 कैरी किया था, हाथ से लेके लगा तो कितना हो गया, 52। समझ गए ये बात हम लोग, एक बार और देखिए, 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक गुलाम और 4 एस, डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 4, सारे नंबर 4, 4, सारे पत्ते कितने होंगे, 2 के 4 पत्ते होंगे, 3 नंबर्स के 4 पत्ते होंगे, सारे नंबर्स के कितने कितने पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, ठीक है। और कार्ड्स कितने, डिजिट नंबर्स 9। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी एन एस, सेकेंड पॉइंट बी एन किंग, थर्ड पॉइंट बी एन जैक। तो चलिए एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं एक गड्डी है जिसमें से शफल कर रहे हैं ना, इस तरह से देखा होगा आपने, उसे क्या कहते हैं, मिलाना, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, उनमें से एक कार्ड्स गिर जाता है, एक कार्ड्स क्या होता है, गिर जाता है उस गड्डी में से। तो कह रहे हैं वो गिरने वाला कार्ड एस होगा, किंग होगा या जैक होगा, 3 पॉइंट्स दिए, तो फर्स्ट पॉइंट पे अटैक करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीख चुके हैं हम लोग कितने एस होते हैं, कितने किंग होते हैं और कितने जैक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, है ना, किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसका क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट, यानी कि अपने पास हथियार होना चाहिए, हथियार आ गया है अपने पास, अब क्या करेंगे, फार्मूला भी पता है हम लोगों को, तो फार्मूला पहले पुट करेंगे, पी ऑफ ए इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन। इस बार एम अपॉन एम प्लस एन ना लिखकर हम लोग जहां से ये फार्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था उसी को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे, देखिए पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। चलिए लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउट सी ओ एम यस कम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग किसे कह रहे थे, एम प्लस एन को, यानी फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल को। तो अब फार्मूला से हम लोगों को पता चल रहा है क्या क्या चाहिए हम लोगों को, क्या क्या चाहिए, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, क्या कह रहे हैं, बी एन एस, उनमें से एक गड्डी से शफल करने में एक कार्ड स्लिप हो जाता है, यानी कि गिर जाता है, ठीक है, तो उनमें से एक एस होगा, कितनी संभावना है इसकी, तो क्या करेंगे, एक गड्डी में यानी कि एक पैकेट में कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, तो फेवरेबल क्या अपना एस है, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कितने एस होंगे, जो बोलेंगे वही अपना फेवरेबल हो जाएगा, तो फेवरेबल क्या है एस, तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल कम्स इक्वल टू 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, कितने एस होते हैं एक पैकेट में, 4 होते हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, TOTAL, टोटल नंबर ऑफ आउट COMES इक्वल टू 52, टोटल आउटकम्स क्या है 52, रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, 52 कार्ड्स हैं तो 52 कार्ड्स आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या हुआ 52। अब क्या करेंगे हम लोग, ये निकाल किस करें, P ऑफ
ए है ये रैंडमली लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है एस बोल रहा है, एस को क्या कहते हैं इक्का, लेकिन हम लोग एस ही लिख दे रहे हैं एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले हम लोगों को, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, देखिए 52। तो इन्हें क्या करेंगे, इन्हें कुछ नहीं करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना, देखो 4 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4 और 13 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर क्या आया पी ऑफ एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी है एस आने की, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 टाइम्स, 1/13 टाइम्स है। समझ में आ गया ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, किंग वाला करके देखते हैं एक बार और जैक वाले आप अपने से करेंगे, ये नोट कर लीजिए मैं मिटा रहा हूं। ये नहीं मिटा रहा आप सोच रहे होंगे, तो ये मिटारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सेम है उसी तरह से कह रहे हैं। कार्ड्स की क्या कह रहे हैं, कार्ड्स की गड्डी को शफल करते हुए एक किंग गिरेगा, इसके चांस क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग उसी तरह से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक पैकेट में कितने किंग्स होते हैं 4 किंग्स होते हैं पता है हम लोगों को, अभी देखा हम लोगों ने, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि टोटल क्या क्या आ सकता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं तो 52 चीज़ें आ सकती हैं ना अलग अलग तरह से, तो क्या करेंगे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। और अब किल प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, ब्रैकेट में क्या रखेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी किंग की निकाल रहे हैं, किंग इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 4 है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, देखिए 52। फिर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 बन जाए 4 को तो 13 टाइम्स में जाएगा, तो क्या आई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की इक्वल टू 1/13। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/13 टाइम्स, ओके। जैक की आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर ना होने पर आप क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।